मुझे मिस करोगी ना एमजे? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं पी रही हूँ चाय, घर की चाय। और ये एमजे, कैसे है तुम्हें? पियोगी चाय? पियोगी? तो इस चाय की बहुत याद आने वाली है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वापस गुवाहाटी। वहीं पे मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वहाँ से आने के टाइम में जो खुशी होती है ना, जाने के टाइम में बिल्कुल नहीं होती है। जाने का तो मन ही नहीं करता है, बट क्या करें, ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। तो अभी चाय पी के उसके बाद पैकिंग शुरू करना पड़ेगा। तो अभी मैं करने वाली हूँ अपना पैकिंग। आप सब देख सकते हैं कैसे इतना सामान सब फैला हुआ है यहाँ पे रूम में। टेबल पे सारे बुक्स है, चेयर पे कपड़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर पैकिंग। तो अभी मैं करने वाली हूँ अपना ब्रेकफास्ट। देखते हैं क्या है आज। मम्मी, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? वाह, इतना हैवी ब्रेकफास्ट। हम लोग जा रहे हैं इसके खुशी में। मम्मी थोड़ा कैमरा शाय है, कोई नहीं, आदत हो जाएगा धीरे धीरे। तो मुझे ना डाइनिंग में बैठ के खाने का आदत नहीं है। मेरा डाइनिंग इधर है जहाँ पे अभी पापा बिजी है। ये मेरा डाइनिंग है और यहाँ पे मैं अपना सिंचन देख के खाती हूँ। आज आपके दोनों बेटा और बेटी चले जाएंगे। आपको दुख नहीं हो रहा है? अब घर पे कौन हल्ला करेगा? मैं तो होंगी नहीं। तुम्हारा बच्चा बेबी, आप अकेले करते रहना उनके साथ। ये भी जा रहा है तिनसुकिया। बाय बाय। मैं हो चुकी हूँ रेडी, ऑल सेट टू गो। मेरे सब सामान तैयार है, मैं तैयार हूँ। तो चलो चलते हैं गुवाहाटी। तो मेरा बस 4:30 का है और मैं गुवाहाटी कल सुबह ही पहुँचूँगी। तो पापा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि लाइक मैं सो जाऊंगी दिन भर, तो मैंने खुद को निराश नहीं किया, मैं सो गई अच्छे से।
तो अभी मुझे धोना होगा बर्तन, जो कि मैंने सुबह खाना खाया था और धोया भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ही था कि मेरा हालत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूँ। जस्ट खा के मैं सो गई और अभी उठ के मैं नहाई हूँ। अब नहा के अब मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद एक बार झाड़ू लगाऊंगी। तो चलो अकेले रहने का ना ये भी एडवांटेज है, सब काम खुद ही करना पड़ता है, चाहे कितने भी आप थके हारे हो, बीमार हो, कुछ भी हो, सब खुद को ही करना पड़ेगा। अभी क्या ही कर सकते हैं। इतना गर्म पानी, बहुत गर्म है भाई। तो मैंने सब काम ख़त्म कर लिया। मतलब सदिया और गुवाहाटी को कंपेयर किया जाए ना, तो गुवाहाटी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वहाँ पे इतना सदिया पे लगा ही नहीं था, मतलब दिन में लगता था जब धूप निकलता था। यहाँ पे तो लाइक थोड़ा देर फैन ऑफ करने से ही पसीना पसीना हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करना चाहती हूँ। मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टिल देन।